आ जाओ दोस्तों। अरे ये क्या है भाई? अरे ये क्या वीडियो लेकर के आई? ये सब तो कचरा में फेंकने का चीज था, यहां सामने दिखाने के लिए लेकर के आ गई हूं। क्यों, क्या बात है? चलिए वेलकम टू एग्रीकल्चर ममता चैनल दोस्तों। आज की वीडियो जो आपको मैं लेकर के आई हूं, इसमें मैं बताने वाली हूं कि किस तरह से आप इनको यूज करके एक लिक्विड फर्टिलाइजर तैयार कर सकते हैं बहुत ही आसानी से और बहुत ही जल्द। तो बने रहिएगा वीडियो में, और प्लीज़ चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना फ्रेंड्स। दोस्तों आज की ये वीडियो बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है, और आप सब इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा दोस्तों के बीच में, क्योंकि दोस्तों ये सारी चीज़ें घर में डेली निकलती हैं, और आप इसको किस तरह से जुडिशियसली यूज़ करके और काम कर सकते हैं इसके बारे में वीडियो मैं लेकर के आई हूँ, और ये देखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और जानते हैं कि प्याज के छिलके और चाय की पत्तियों में क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स और मैक्रोन्यूट्रिएंट्स हमको मिल सकते हैं, और किस तरह से ये खाद लिक्विड फर्टिलाइज़र बनाई जा सकती है। तो चलिए और जैविक खाद बनाते हैं, लिक्विड फर्टिलाइज़र प्याज के छिलके और चाय की पत्तियों में क्या क्या माइक्रोन्यूट्रिएंट्स मैक्रोन्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। तो दोस्तों चाय की पत्तियों में आपको एक कंप्लीट फर्टिलाइज़र वो अपने आप में है, उसमें प्रेजेंट है आपका एन पी और के। नाइट्रोजन जो है वो पोटेशियम और फॉस्फोरस तीनों चीज़ें प्रेजेंट है। अरे आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसमें नाइट्रोजन की मात्रा, कैल्शियम की मात्रा, फॉस्फोरस जो है वो प्रेजेंट है, पोटेशियम प्रेजेंट है। तो इससे फ़ायदा ये होता है दोस्तों कि जिस भी प्लांट में ये फर्टिलाइज़र को डाला जाता है उसका ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। जनरली हम लोग नाइट्रोजन जो डालते हैं वो ग्रोथ के लिए डालते हैं कि प्लांट का अच्छी तरह से ग्रोथ हो। फॉस्फोरस ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए होता है, और पोषक तत्व जो हैं इसमें जो ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए, प्लांट के लिए, जड़ के लिए, पेड़ के लिए, स्टेम के लिए, फ्लावर्स के लिए, फ्रूट्स के लिए, सारे ग्रोथ के न्यूट्रिएंट्स इसमें अवेलेबल हैं। टी लीव्स की मैं बात कर रही हूँ, और फूल जब खिलते हैं तो उस समय पोटेशियम की मात्रा रिक्वायर्ड होती है अच्छे क्वांटिटी में। नाइट्रोजन इसमें 4% है, माइंड इट दोस्तों, 4% नाइट्रोजन है इसमें। फॉस्फोरस 0.24% है, और पोटेशियम जो है 0.25% है। तो आप समझ सकते हैं दोस्तों कि कितना बेनिफिशियल ये है। जहाँ तक कि मैग्नीशियम का सवाल है, मैग्नीशियम चूंकि प्रेजेंट है इसलिए फोटोसिंथेसिस में काफ़ी सहायक होता है। ये जो फर्टिलाइज़र, लिक्विड फर्टिलाइज़र जो हम बना रहे हैं, बात करेंगे आज इसके बारे में पूरी डिटेल में दोस्तों। इसमें रोग प्रतिरोधक क्षमता के लिए, जो आप बोलते हैं इम्यूनिटी डेवलप करने के लिए, टैनिन प्रेजेंट होता है, टैनिन एसिड। इसके बहुत सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं और अच्छे पॉइंट्स भी हैं, तो इसके लिए कोई अलग वीडियो बनाएंगे जिसमें पूरी जानकारी लेंगे। सॉयल जो है आपका, जनरली जो भी प्लांट्स रिक्वायर्ड करते हैं उसमें एसिडिक सॉयल ज़रूरी होता है, और ये जो फर्टिलाइज़र आप ऐड करेंगे, लिक्विड फर्टिलाइज़र, इससे क्या होगा कि सॉयल की जो एसिडिटी है वो बढ़ जाएगी। तो एसिडिटी बढ़ने से आपके प्लांट को उस मामले में भी काफ़ी सहायक मिलेगा, हेल्प होगी। इसको आप डाल सकते हैं किस किस प्लांट्स में दोस्तों, तो चलिए जान लेते हैं उसके बारे में। ये रोज़, गुलाब, मोगरा, हिबिस्कस, टोमेटो, टमाटर, बैंगन, इस सब में डाल सकते हैं दोस्तों। और जितने भी कंद वाले जो नीचे बैठते हैं, जो जिसमें स्टोरेज पार्ट्स होते हैं, जैसे आलू है, गाजर है, मूली है, इसमें थोड़ा अवॉइड करना है। अब चलते हैं दोस्तों, जानते हैं प्याज के छिलके का क्या क्या बेनिफिट्स है। तो मेरी एक वीडियो आ रही है, काफ़ी दिनों से चल रही है और काफ़ी लोगों ने पसंद किया है, तो उस वीडियो को भी जाके आप डिटेल में उसमें बताया मैंने, आप देख सकते हैं। अभी के लिए जान लेते हैं दोस्तों कि इसमें क्या क्या प्रेजेंट होगा। प्याज के छिलकों में दोस्तों कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, कॉपर और माइक्रोन्यूट्रिएंट्स में आयरन और कॉपर है। तो ये सारी चीज़ें प्रेजेंट होने की वजह से
ये जो फर्टिलाइजर हम बनाने जा रहे हैं ये बहुत 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 फायदेमंद होगा आपके पौधों के लिए। तो चलिए कैसे बनाते हैं और जैविक खाद कैसे तैयार होगा इसके बारे में जानते हैं। तो अभी मैं 1 लीटर पानी, आप इसमें देख रहे होंगे कि 1 लीटर पानी मैंने ले लिया है, और इस पानी में मैं ये प्याज के छिलके और चाय पत्ती दोनों डाल दूंगी, और 24 से 36 घंटे के अंदर में ये जो पानी है वो सारा जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में आ जाएगा, और उसके बाद आप इसको छान करके इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों कभी कभी हम लोगों ने बताया है मैंने आपको कि सीधे भी आप छिलकों का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे बनाना के केस में मैंने आपको बताया था। तो बनाना के केस में जो वीडियो मैंने बनाई थी तो उसका सारा पार्ट बेनिफिशियल, उसी तरह से दोस्तों प्याज का भी जो है छिलका जो आप डस्टबिन में डाल रहे हैं प्लीज़ दोस्तों ऐसा मत करिए, ये बहुत बेनिफिशियल है। चाय की पत्तियों में एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि इसको वॉश कर लीजिएगा, धो लीजिएगा, सो दैट कि चीनी की मात्रा उसमें ना रहे। जब चाय बनाते हैं तो चीनी की मात्रा हो सकती है, वो धुल जाएगा तो आप में चींटियाँ नहीं लगेंगी। और अब बना लेते हैं इसको। तो प्याज के छिलके मैं इसमें डाल रही हूँ, 1 लीटर पानी में मैंने डाला है, और ये चाय पत्ती जो है ये मैंने 1-2 दिन 3 दिन जो यूज़ हुआ है उसके बाद मैंने ये जमा कर लिया है। तो दोस्तों ये 1 दिन बाद बन करके तैयार हो गया है, और इसको छान करके हम पानी में कैसे स्प्रे करेंगे उसके बारे में। 1 लीटर पानी लेंगे, उसमें 100 से 200 ml ये जो लिक्विड है उसको ऐड करेंगे और पौधों में स्प्रे करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप ये जो वेस्ट जा रहा था आपके डस्टबिन में उससे आप बहुत बेहतर और बहुत ही बढ़िया खाद बना लेंगे जो कि लिक्विड फॉर्म में होगा, स्प्रे करके आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये जो खाद बन करके तैयार हुआ है दोस्तों इसको आप सॉयल में अप्लाई करिए, आगे बड़ी मात्रा में आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बड़े बड़े जहाँ पे खेती हो रही है खलिहान, तो वहाँ पे क्या है कि सॉयल की एसिडिटी को आप इम्प्रूव कर सकते हैं और अच्छा पैदावार ले सकते हैं। तो इसको आप अपना सकते हैं, प्याज को पानी में डाल करके 1 से 2 दिन तक आप रख सकते हैं। चलिए दोस्तों मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए एग्रीकल्चर ममता चैनल का साथ देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सब स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए और अपने काम में लगे रहिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, एग्रीकल्चर ममता साइनिंग ऑफ।